थैंक गॉड, रुद्रा ने प्रार्थना की बातों पर नहीं हमारी बातों पर विश्वास किया। उसे तो पता भी नहीं है कि उसकी पत्नी एक नागिन है, और शायद पता चल जाता ना तो वो हमारी बात नहीं मानता। डोंट वरी आंटी, उसे कभी नहीं पता चलेगा। बचपन से जानती हूँ मैं उसे, वो कभी प्रार्थना के पास जाएगा ही नहीं, और अगर गया तो मैं हूं ना, मैं उसे कभी जाने ही नहीं दूंगी। अनमोल, उस लड़के का क्या जिससे तूने शादी करने का वादा किया था? अनमोल, अनमोल, कहाँ हो तुम? Oh no, ये ऋत्विक यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ में होने वाली बुराई? मुझे अनमोल को भी इन्फॉर्म करना होगा। अब देखना सियाली, मैं तुझे तेरा हक कैसे दिलाती हूँ। थैंक्स। मेरी बेटी रीम, यानी कि तेरी मॉम, आज उसके दिल को कितना सुकून मिल रहा होगा प्रथा को सड़कों पे भटकता हुआ देख। क्या उन्होंने सच में मेरी माँ को मारा था? ऑफ कोर्स। पर उनका चेहरा तो कितना मासूम है, यकीन ही नहीं होता उन्होंने ऐसा किया। यार अनमोल, वो नीचे ऋत्विक आया हुआ है। मैंने भी जस्ट देखा, बहुत गुस्से में है। यार बवाल मचा के रखा है उसने। अनमोल, तूने अभी तक ऋत्विक को कुछ नहीं बताया क्या? उसे तो अभी भी यही लग रहा है अनमोल की तो उससे शादी करेगी। यार हमें तो यही लगा था कि रुद्र से सगाई होने के बाद तूने उसको सब बता दिया होगा। हाँ, मैंने उसे बताया था कि मैं ये सगाई कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे डैड पहले ठीक हो जाए, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैंने किसी और से सगाई कर ली। सियाली, यू आर माय सिस्टर राइट, यू हैव टू हेल्प मी, प्लीज तुम जाके उसे बात करो ना, उसे बताओ ना कि मैं ये सगाई नहीं कर सकती, प्लीज। ठीक है, मैं बात करती हूँ। थैंक यू। बीबा, तुम भी जाओ उसके साथ। हाँ चल। ओके। ऋत्विक, आओ बैठ के बात करते हैं। नो, इट्स ओके। टेल मी, कहाँ है मोल? आई मीन हाउ डेयर शी? उसने मुझे प्रॉमिस किया था मुझसे एंगेजमेंट करेगी, कहती है प्यार मुझसे करती है, लेकिन एंगेजमेंट उसने किसी और से करी है। मुझे कहा थोड़े दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ, यहाँ पर वो क्या कर रही है? आई डोंट नो क्या है उसके मन में। ऋत्विक, प्लीज लिसन टू मी। देखो, प्लीज अपसेट मत हो, क्योंकि सच ये है कि वो तुमसे प्यार ही नहीं करता। जस्ट शट अप। अनमोल, मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। रुद्र, 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 मेरी बात सुनो। रुद्र, मैंने तुमसे बोला था ना आज बाहर मत जाओ, बाहर बहुत प्रॉब्लम है। अनमोल, मैंने भी तुमसे कहा था ना मुझे कुछ जरूरी काम है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ओके रुद्र, तुम नहीं समझ रहे, वो दोनों औरतें बहुत डेंजरस हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारी अपनी बहू तो माता रानी की कृपा है, वरना प्रार्थना तो तुम्हारी माँ को। मॉम, प्लीज आप दोनों फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ आप दोनों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं, आई प्रॉमिस। मैं चलूँ प्लीज? ख्याल रखना। अनमोल, चलता हूँ मैं, बाय। अब रुद्र, वो आप तुम्हारे मॉम डैड हमारी शादी की प्लानिंग कर रहे थे, तो तुम कब जब तुम चाहो। मॉम डैड ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, सो इट्स ओके। ऋत्विक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धोखा दिया? आवाज थोड़ी नीचे। हाँ, फियांसे है वो मेरी, सगाई हो गई हमारी। क्या? हाँ, क्या चला है सब? तुम तो शादीशुदा हो ना। लिसन, आई एम रियली सॉरी, बट सच तो यही है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी भी करने वाले। सी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। बड़ी बेटर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। चलता हूँ मैं अनमोल। ओके, ऋत्विक, ऋत्विक, आई नो तुम बहुत अपसेट हो, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ ना। अनमोल तुम्हें डिजर्व नहीं करती। देखो, तुम तो जानते हो वो कैसी है।
उसे तो हमेशा ही रुद्र से प्यार था। पर उसने मेरा क्यों टाइम वेस्ट किया? मुझे यूज क्यों किया? अनमोल को भूल जाओ, वरना तुम अपनी लाइफ को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। हाँ वो तो हो ही रही है ना। तुम्हें नहीं लगता कि अनमोल को मुझे बताना चाहिए था जिससे मैं किसी और लड़की को चूज करता? तुम्हारे जैसी। आई एम श्योर तुम्हारी लाइफ में जल्दी ऐसी कोई लड़की आ जाएगी जो तुम्हें डिजर्व करती है। पर अनमोल के धोखे को प्लीज दिल पे मत लो। एक शब्द। क्या? तुम कल मेरे साथ कॉफी भी चलोगी? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। नहीं नहीं तुम तो बहुत अच्छे लड़के हो, पर मेरी नानी नहीं मानेगी। उन्होंने हमें कहा है कि कुछ दिनों के लिए घर में ही रहना है, क्योंकि रुद्र की एक्स वाइफ प्रार्थना और उसकी माँ प्रथा दोनों इस वक्त घर के बाहर है। एंड आई एम श्योर वो इस वक्त हमारे घर के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रच रही होंगी। फैली मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह होगी ना तो कल तुम पक्का होगी। आई विल वेट फॉर यू। नानी ने तो मना किया है, तो मैं घर से बाहर कैसे जाऊं? आओगी अब चाहे माँ रूठे या बाबा, नानी रूठे या दादा, तुम आओगी। शादी की तारीख नजदीक आ रही है, आज मेहंदी की रात है, जाओ जाकर उसकी तैयारियां शुरू करो। लेकिन उर्वशी एक अजीब सी बात है, उन दोनों नागिनों ने हमारे खिलाफ अभी तक कुछ भी नहीं किया। बात समझ में नहीं आ रही है, ये दोनों नागिने इस तरह चुप नहीं बैठेगी, जरूर कुछ ना कुछ करेंगी। याद रखना कि वो दोनों शेष नागिन नहीं है लेकिन अभी भी नागिन है। रूप बदल कर वो मणि हासिल करने के लिए वो इस घर के अंदर जरूर आएंगे। ठीक कह रही हो, हम में से कोई भी इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। जब तक वो मणि हमारे पास है वो नागिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं, हमें छू तक नहीं सकती, समझे? इस घर से बाहर कोई कदम नहीं रखेगा। ऋत्विक ने शाम को कॉफी पे बुलाया, कैसे जाऊं? नानी तो अलाउ करने से रही। स्याली लिसन, तुम्हारी ऋत्विक से बात हुई? हाँ मेरी बात हुई थी, तुमसे थोड़ा नाराज है पर मुझसे बहुत स्वीट था। मुझे नहीं लगता वो लड़का गलत है। स्याली मैंने कब कहा वो गलत है? अच्छा लड़का है, इट्स जस्ट दैट मुझे उससे शादी नहीं करनी, दैट्स इट। मैं तुम्हारा घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। स्याली बाहर क्यों नहीं आ रही? स्याली क्या हुआ? You're okay? हाँ हाँ नानी मुझे क्या हुआ है? Hi, hi, स्याली तो तुम आ रही हो ना? देखो मैं बाहर नहीं आ सकती, प्लीज समझो, नानी मुझे बाहर नहीं आने देगी। स्याली क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम बाहर आ जाओगी? तो बाहर आओगी हम मिलेंगे तो एटलीस्ट एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे, है ना? बात तो सही है ऋत्विक की, मुझे जाना चाहिए। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। हाँ गुड। अनमोल तुम ना स्याली को बोलो तुम्हारी मदद करे प्रेपरेशंस में। हाँ लेकिन स्याली है किधर? यही तो थी। लिसन टीबा बीबा तुम बुला के लेकर आओ स्याली को। हाँ पता नहीं वो स्याली कहीं मिल नहीं रही है। वो पूरी रात ऋत्विक से बात कर रही थी, लगता है उसे ऋत्विक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है।
सियाली ऋत्विक, सियाली कहाँ है? ऋत्विक पता नहीं कहाँ गई। पता नहीं मतलब ये सब क्या हो रहा है? पहले अनमोल ने शादी तोड़ी मेरे साथ, और अब सियाली जिसने खुद डेट फिक्स की थी उसने भी डेट कैंसिल कर दी। क्यों? ऋत्विक यहाँ है तो फिर सियाली किसके साथ थी? मैंने अभी अभी उसे देखा है गेट से बाहर जाते हुए। ऋत्विक के साथ ये कौन है? ए, तुम यहाँ क्यों आए? वो मैं सियाली। चुप! सियाली तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। निकलो यहाँ से। और तुम दोनों ये सब जानती थी है ना? तो मुझे क्यों नहीं बोली? नागिन घर में घुस गई, अपनी चाल भी चल गई और हट चलियो। लेकिन याद रखना, मैं अपनी सियाली को कुछ नहीं होने दूंगी, एक आंच तक नहीं आने दूंगी उसे। इडियट। भाई मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। एक बात बोलूं सच्ची? I really like you. किस तरफ गई होगी ये लड़की? यहाँ तो दो रास्ते, कौन सा रास्ता लूँ? बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं याद है ना? क्या? कभी भी एक अकेले लड़के के साथ कॉफी में मत जाना, अकेले में बहुत कुछ हो जाता है। ये ऋत्विक ने ऐसी सुनसान जगह पे गाड़ी क्यों रोक दी? क्या लगा मैं बेवकूफ हूं? मुझे तेरी असलियत पता नहीं चलेगी? इस भूले में मत रहना, मणि है मेरे पास, क्योंकि आज मैं उसी मणि की मदद से तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। क्या क्या करिए, प्लीज रुक जाइए। बेवकूफ लड़की, आज ये मणि मैं घर से बाहर सिर्फ तेरी वजह से लेकर आई हूं, समझी तू? ताकि ये तुझे चोट ना पहुंचा सके, क्योंकि ये जो है ना, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है, ये वो है, वो जहरीली नागिन। वैसे तुझे क्या लगा तू आज उस घर में घुस पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस घर में तेरा बाप मौजूद है, और उस घर में वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता, और तुझे तो कभी पता नहीं चलेगा। और अगर आज तूने उस घर में अपने कदम रखे ना, तो तेरा बाप तो मर गया। मैं मारूंगी उसे, मैं। क्या? मेरे डैड आपके घर में कब आए? ओह शट अप, ये नौटंकी बंद कर। बाहर निकल, अपना असली चेहरा दिखा। अगर तुझे मनी चाहिए तो तुझे अपने असली रूप में आना होगा। निकल बाहर, निकल बाहर, अपना असली चेहरा दिखा, लड़ मुझसे, लड़। इस डायमंड स्टोन से कुछ नहीं होने वाला, ये तो वो खान मार्केट में भी मिलता है, कहीं ये नकली तो नहीं है? नानी आप क्या कर रही है? छोड़ दीजिए इसे। ये क्या कर रही थी? अगर ये नागिन है तो इसे तो अब तक अपना रूप बदल लेना चाहिए था।
अगर नहीं है तो ये कौन है? इसने अपना रूप क्यों नहीं बदला? कौन हो तुम? सच बताओ कौन हो तुम? एक लड़का जो बस इस लड़की के साथ कॉफी पे जाना जा रहा है और कोई नहीं। तुम नागिन नहीं हो? मैं आपको नागिन दिख रहा हूँ। तो फिर तुमने इसे घर से भागने के लिए क्यों कहा? और क्या ऑप्शन था मेरे पास? वो अनमोल ने तो मुझे पहले ही धोखा दिया और जब मैं उसे कन्फ्रंट करने आया तो मुझे स्याली मिली वहाँ। कितनी क्यूट है ये। तुम ही हो ना जिसने इसे कल कॉफी के लिए पूछा था? हाँ। और आज भी तुम इससे मिले? हाँ? और फिर से कॉफी के लिए पूछा? दोनों बार तुमने ही पूछा ना? तुम दो नहीं हो? नहीं, मैं एक ही हूँ जो इससे कल मिला था और जो आज मिल रहा है। आज दोपहर को तुम घर पर गुस्से में आए थे ना? हाँ आया था। क्या ऑप्शन था मेरे पास? मैं सुबह से सियाली का वेट कर रहा हूँ घर के बाहर कि सियाली आएगी मेरे साथ कॉफी पे जाएगी, पर वो नहीं आई। फिर मैंने सोचा मैं अंदर चले जाता हूँ, अनमोल से भी कन्फ्रंट कर लूंगा। पर जब मैं अंदर आया तो मुझे सियाली का मैसेज आया कि वो घर से निकल गई है मुझसे मिलने के लिए। फिर इसलिए बस मैं भी चला आया। क्या आप भी? नानी प्लीज इसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज इसको जाने दीजिए। छोड़ दिया मैंने लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी, समझी? आज के बाद तू उस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, किसी से मिलने के लिए नहीं। और तुम, अगर तुम्हें इससे मिलना है ना तो घर पर आना, बाहर मत बुलाना। तू चल मेरे साथ, चल तू। कौन हो तुम? आज मैं पकड़ी जा सकती थी पर तुमने आके मेरा साथ दिया। आज जो उस घर में गया था वो तुम थे असली रूप में। और जब सयाली बाहर आई तो वहां मैं थी, और उसके दूसरे दिन मैं तुमसे पहले पहुंच गई थी और मैंने सयाली को मैसेज भी किया कि सयाली बाहर क्यों नहीं आ रही। सियाली तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, निकलो यहाँ से। मैं उसे घर से बाहर ले जा रही थी उसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर सियाली को बाहर ले गई तो उर्वशी बाहर आ जाएगी। पर तुम बीच में आ गए, तुम सियाली को बाहर ले गए। देखो तुम इंसान हो पर मैं इंसान नहीं। मुझे पता है तुम इंसान नहीं हो। मुझे ये भी पता है कि कल तुम उससे मिली थी। कैसे? कौन हो तुम? बताओ कौन हो तुम? मेरी बेटी तुमसे कुछ पूछ रही है, उसे जवाब दो। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जो यहाँ पे वही मकसद पूरा करने आया जिस मकसद के लिए आप दोनों आई हैं। मतलब? आइए मेरे साथ। इतनी बड़ी गलती कैसे की तुमने? तुझे बोला था ना घर से बाहर नहीं निकलने के लिए, तो फिर क्या किया तूने? सॉरी की बच्ची। और तब वो ऋत्विक तुम्हारे आरपीएस का बेटा है ना, तुम्हारा पोता, संभाल के रखो उसे। कहाँ जाता है कहाँ आता है ध्यान दो जरा। अगर आज मैं ये नागमणि अपने साथ नहीं ले गई होती तो वो दोनों नागिने सियाली और मुझे डस डस के मार चुकी होती। कैसी हुई इस नागमणि को इस घर से बाहर ले जाने की? आप लोग जानना चाहते हैं ना मैं कौन? मैं ऋत्विक, राजेश प्रताप सिंह का बेटा। देखिए
सिंह, आपका और मेरा मकसद एक ही है, क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ। मुझे पता लगा उन लोगों ने कैसे मिलकर मेरे डैड की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे डैड हमेशा से एक ही बात कहते हैं कि अगर इस पूरी जिंदगी में मैं किसी एक इंसान पर भरोसा कर सकता हूँ ना, तो वो सिर्फ आप। लेकिन आपने भी क्या किया, दुश्मनों की बात मान ली। आपको भी ये लगा कि मेरे डैड दुश्मनों से मिले हुए हैं, इन्होंने धोखा दिया। लेकिन नहीं, इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, बल्कि देखिए धोखा तो इनके साथ हुआ है। क्या हालत कर दी उन्होंने इनकी, तो बस मैं इसी बात का बदला लेने आया हूँ। हाँ, मुझे ये भी पता लगा कि आप दोनों भी गलत नहीं हैं, बल्कि गलत तो मेरी वो सुहासिनी दादी हैं, जो हमेशा से पताली, उर्वशी और ना जाने कितने दुश्मनों का साथ देती आई हैं। मुझे माफ करना ऋत्विक, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। और मिस्टर सिंह, आपने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं आपका साथ नहीं दे पाई। आई एम सॉरी। आज मेरी बेटी की जान बचाने के लिए थैंक यू ऋत्विक। इस नाग मणि की वजह से मेरी जान बची, ये नहीं दिख रहा है। चुप, चिल्ला मत, अपनी हद में रह। ये कोई साधारण मणि नहीं है, नाग मणि है। इसके लिए बेसब्री से इंतजार किया था मैंने। मेरा काल के वंश इतने दिनों से इस नागमणि के लिए तड़प रहा है, और तू धन धनाती हुई आई, इसको लेकर तू बाहर चली गई। अरे एक बार भी नहीं सोचा कि अगर वो दो नागिने इस घर के अंदर आ गई और हम पर वार कर गई तो? पता था मुझे वो नहीं करती। वो दोनों नागिने इस घर में घुस नहीं पाती, और अगर घुस गई होती तो वार नहीं कर पाती, चाहकर भी नहीं कर पाती। पहली बात तो ये कि अगर उन्होंने हम पर वार किया होता तो मैं उन दोनों को मार डालती। दूसरी बात ये, उन दोनों को अच्छी तरह पता है कि हम लोग ऋषभ को हॉस्पिटल बेड से उठा ले आए थे, लेकिन ये नहीं पता कि इस घर में हमने उसे कहाँ छिपा के रखा है। ऋषभ की जान को खतरे में तो बिल्कुल नहीं डालेंगी वो दोनों, इसीलिए लेकर गई थी मैं। जो भी हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन तू इतना बड़ा खतरा नहीं उठाएगी। अब ये नागमणि इस घर से बाहर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी बस। हमें वो नागमणि उस घर से बाहर निकालनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। पर हम उस घर के अंदर जा ही नहीं सकते, और उसे बाहर लाने के लिए हमें उस घर के अंदर जाना होगा। मैं भी जाना चाहता था अनमोल पे नजर रखने के लिए, सोचा था अंदर जाके दुश्मनों की हर चाल आपको बताऊंगा, लेकिन फिर अनमोल की उससे सगाई होगी। जब तक ये दोनों नागिने मेरे सर पर बैठी रहेंगी ना, तब तक मुझे इनका डर लगा रहेगा। मेरे पास इन दोनों को हैंडल करने के लिए एक रास्ता तो है। जैसे यहाँ का ये वाला प्रोजेक्ट खत्म होगा ना, मैं इस नागमणि को इंटरनेशनल बायर्स को बेच दूंगी। उसके बाद ही हम वो नागमणि लेकर ही निकलेंगे यहाँ से। लेकिन तब तक तुम इस घर के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी, हम में से कोई नहीं रखेगा, समझी तुम? और अगर तुम्हें उस लड़के से मिलना है ना, तो उसे इस घर में बुलाओ, अंदर बुलाओ। बाहर रखेगी ना, टांग तोड़ के रख दूंगी तेरी। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब स्याली मेरे साथ है, और वो अब मुझे नहीं रोक सकते स्याली से मिलने के लिए। अब मैं आपके बदला लेने में आपकी मदद करूंगा, क्योंकि आपका बदला और मेरा बदला एक ही है। आज से आप दोनों नहीं, बल्कि हम तीनों का बदला एक ही है। ऋत्विक, क्या तुम अपने डैड से मिले थे? नहीं दादी, मैं क्यों मिलूंगा उनसे, बल्कि मुझे तो नफरत है उनसे। पता है, मेरी फैमिली तो सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। ऋत्विक, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जिस तरीके से तेरा और अनमोल का रिश्ता टूटा है, तेरा दिल टूट गया है। पर ऐसा कब तक चलेगा? हमें अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है ना। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो तू मुझे बता। दादी, एक्चुअली एक लड़की है, स्याली। स्याली? उर्वशी की नातिन? हाँ। अरे फिर तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अब भी उर्वशी से बात करती हूँ और तेरा और स्याली का रिश्ता तय करती हूँ। नहीं नहीं दादी, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको ना मैं पसंद नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे उनके चेहरे पे ना, मेरे लिए एक अजीब सा गुस्सा दिखता है हमेशा। उर्वशी, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी। अच्छा, क्या हुआ? मुझे अभी अभी पता चला है कि मेरे पोते का दिल तुम्हारे नातिन ने चुरा लिया है।
तो क्या हुआ अगर उसकी शादी अनमोल के साथ नहीं हुई? सियाली के साथ तो हो सकती है ना? क्या सियाली के साथ शादी? कोई दिक्कत है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऋत्विक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अभी अभी इसकी शादी टूटी है अनमोल से। इमीडिएटली शादी की बात करना, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। एक काम करते हैं ना, कुछ दिनों बाद बात करते हैं। We'll talk soon. दादी मैंने कहा था ना आपसे, वो मुझे पसंद नहीं करती। Let it be. उर्वशी की इतनी हिम्मत, मुझे मना कर दिया। Guys, listen. दादी के माइंड में कीड़ा मैंने भर दिया, लेकिन अब आगे का प्लान तुम दोनों को एग्जीक्यूट करना है। थैंक्स ऋत्विक। माय प्लेजर। प्रार्थना, अब वक्त आ गया है हमारे दुश्मन से पहला इंतकाम लेने का। उर्वशी के पास जाके अब भी बात करती हूँ, ऐसे कैसे नहीं करवाएगी वो सियाली की शादी मेरे ऋत्विक से? उसका दिल मैं फिर से नहीं टूटने दूंगी। क्या कहा सुहासिनी ने ऋत्विक और सियाली की शादी के बारे में? ना ना ना, तू तो हाँ बोल ही मत। बहुत सावधान रहना उर्वशी, वो लड़का जो है ना, वो राजेश प्रताप सिंह का बेटा है, तेरे दुश्मन का बेटा है, और सांप का बेटा तो सपोला ही होता है, कभी भी अपना फन निकाल कर खड़ा हो जाएगा और तुझे डस लेगा। इसीलिए तो मैंने इस वक्त के लिए बात को घुमा दिया, लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है ये सुहासिनी है ना, ये फिर से बात छेड़ेगी, 100% छेड़ेगी। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। क्या क्या? मैं सोच रही हूँ मैं इस रिश्ते के लिए हाँ बोली दी। अरे सुनो तो, मौका मिलते ही ऋत्विक को रास्ते से हटा दूंगी, मार डालूंगी उसे। ना रहेगा सपोला, ना वो हमें टसेगा। लेकिन तब तक ना वो सुहासिनी से ना तू अच्छी अच्छी बन के रहना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मेरे पोते को मारने की साजिश हो रही है ना, ये तूने सही नहीं किया उर्वशी। हाँ, मौत तो होगी, जरूर होगी, पर मेरे पोते की नहीं, तेरी होगी। माँ इधर तो आग लगा दी, अब बारी उधर की। सुहासिनी ने सोच कैसे लिया कि मैं सियाली की शादी उस ऋत्विक से करूंगी? मुझे तो वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, एक कतरा पसंद नहीं है। दादी आप मेरी बात सुनो, मुझे आपको एक बहुत अमेजिंग बात बतानी है। दादी पता है आपको, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, और वो जो सियाली है ना, वो तो मेरे प्यार में इतनी पागल हो गई है कि मैं जो बोलूंगा वही करेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सियाली उर्वशी की सबसे बड़ी कमजोरी है, सियाली एक बार हमारे कंट्रोल में आ गई ना, तो उर्वशी अपने आप हमारे कंट्रोल में रहेगी। मौका देके उसे भी रास्ते से हटा दूंगी। दादी पोता इतनी बड़ी साजिश कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मुझे मारने की प्लानिंग। सुहासिनी तुमने उर्वशी को छेड़ा है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। रुक। अब दोनों तरफ आग भड़क गई है, इसके आगे अब जो भी करना है सुहासिनी और उर्वशी आपस में ही कर लेंगे। हाँ सुहासिनी, कहाँ हूँ मैं? तो पहुंच गई हूँ।
तू मेरी जिंदगी खत्म करेगी ना, अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे छीनती हूँ तुझसे। मेरे पोते की जान लेने का सोच रही है ना तू? अब तू देख तेरे शरीर से मैं कैसे जान निकालती हूँ। उर्वशी, इतना खौफ? हम तो शादी की बात करने आए हैं ना, थोड़ी एक दूसरे को मारने आए हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? भला तुम मुझे क्यों मारोगी? पर मैं तुम्हें मारूंगी। अच्छा हुआ उर्वशी, तुमने ये हथियार दिखाकर अपने इरादों का पता बता दिया मुझे। अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये जो मैंने इंजेक्शन दिया है ना, ये तुझे इतना कमजोर कर देगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? बड़ी आई थी मुझे मारने वाली, चल हट। अब मैं तुझे तेरी ही बंदूक से मारूंगी। उर्वशी, तेरा एक उधार है मुझ पे और पाताली कभी किसी का उधार नहीं रखती। चल हाथ दे, उठ उठ। थैंक यू। और तू तो गई। ऋत्विक, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मदद? ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद करी है आपने, और आज खुद की जिंदगी की भीख मांग रही है। मदद आप डिजर्व ही नहीं करती। अपनी कर्म देखो सुहासिनी, तुम्हारा अपना पोता भी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता। हमें तबाह करना चाह रही थी ना, देख लिया हमने क्या चाल चली है। आपको छुआ तक नहीं और आपकी जान भी ले ली। अब ये दुनिया देखेगी कि कैसे ये नागिने एक एक करके अपने हर एक दुश्मन का विनाश करेगी।
प्रार्थना ले पानी पी। मैंने कहा ना पानी पी ले। अब रोना बंद कर प्रार्थना, आप सच में मेरी माँ है? ये कैसा सवाल है? हाँ मैं ही तेरी माँ हूँ, पर जिस तरह से तू रो रही है ना, सच कहो तो मुझे शक हो रहा है कि तू मेरी बेटी है भी या नहीं। ये तो पायल। हाँ मैंने वहां रखी थी, आप ही ने कहा था ना कि नानी की तस्वीर के पास पायल रख देना। माँ देखिए ये चांद की चांदनी में ये पायल कितनी चमक रही है। इसे तो अपने पास रख बेटा। मतलब अब से ये पायल तेरी है। इसकी दूसरी जोड़ी भी तो तुझे ही तो मिली थी, पता नहीं तुझे कैसे मिली, पर एक बात तो तय है कि नानी चाहती है कि ये पायल तू ही रखे, वरना ये पायल तुझे कभी मिलती ही नहीं। मैं नहीं जानती है क्या संजोग है, पर अगर तू ठीक हुई है ना तो बस इस पायल की वजह से, क्योंकि जिस तरह से तुझे चोट लगी थी ना वो इतनी बड़ी थी कि कोई नागिन भी नहीं बचा सकती थी तुझे इस मार से। तो इसे पहन ले और हमेशा पहने रख। पर क्यों? तेरी रक्षा के लिए। पर अगर रक्षा की बात है तो फिर तो ये पायल आपको पहननी चाहिए, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो आपकी जान खतरे में है। तू मुझे मत सिखा, मैं माँ हूँ तेरी, जो बोल रही हूँ वो कर। इसमें भी जबरदस्ती, मैंने कहा था ना तुझे, नागिन हो या इंसान, माँ माँ ही रहती है और माँ की बात माननी पड़ेगी। तुम्हें तो अपना माना था मैंने प्रार्थना, पर जब अपने धोखा देते हैं फिर जिंदगी जीने का मकसद ही बदल जाता है। रुद्र जो भी हुआ उसे भूल जा बेटा, वैसे भी प्रार्थना हम सब के लिए सिर्फ एक खतरा थी, और अब जाके तूने जिंदगी का सही फैसला लिया है, अनमोल से शादी करने का फैसला। और देख सब कितने खुश है बेटा, कुछ दिन मेरी शब्जी भी ठीक हो जाएंगे, और वो तो यही चाहते थे ना कि तेरी शादी अनमोल से हो। और फिर उनकी सारी प्रॉपर्टी अनमोल के नाम हो जाएगी। डैड मुझे प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ जो भी मेरे मॉम डैड को हार्म करने की कोशिश करेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और कभी माफ नहीं करूंगा। चल दो डैड बाय। अच्छा वो रुद्र और प्रार्थना की शादी टूट गई, अब ऋषभ की सारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। चीयर्स। लेकिन अब तो मणि भी इसी घर में, और उसकी भी डील होगी ना, उसका भी हिस्सा हमें मिलना चाहिए। किससे मैसेज करने में इतना बिजी हैं आप? कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे आप, किसका मैसेज? अरे अरे वो उर्वशी से चेक कर रहा था, वो उनकी शादी की तारीख के बारे में बात करना चाहती हैं। वैसे कितनी अच्छी है ना उर्वशी जी, मोल की शादी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने हाथों में ले ली। ठीक है जाइए बात कीजिए, पर एक बात और बोल दीजिएगा कि मणि वो जिसको भी बेचेंगे हमें हमारा हिस्सा चाहिए। मंदिर का खजाना हमारे हाथ तो नहीं लगा, मणि का हिस्सा हम छोड़ेंगे नहीं। अरे तुम चिंता मत करो, उर्वशी जी से ना मैं इस बारे में भी बात कर लूंगा।